श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी पाक मीडिया क्राइम, मोहम्मद शामी एंग्री ऑन इंजमामुल हक। इंजमामुल हक किसी तारफ के मोहताज नहीं है जो हमारे, और उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल बातें करी थी ये लास्ट टूर्नामेंट में, तो वो उसका रिप्लाई दे रहे हैं कौन? मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी पे इल्जाम लगता है कि वो इतनी जबरदस्त बॉलिंग करा रहे होते हैं लेकिन भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है या भारतीयों के डर से वो ग्राउंड में एक सजदा करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। और बाद में जब उन्होंने उस बात को क्लियर किया और पाकिस्तानियों जिन लोगों ने ये बातें करी थी उनकी ठुकाई की, और फिर ये बहुत ज्यादा वायरल हुए यहाँ पे भी वहां पे भी, और फिर सियानी बिल्ली खम्बा लोचे वाला हिसाब है अपनी मुंह लेकर फिर बैठे। अब यही बात जो इंजमाम ने की है उसी का फिर से एक रिप्लाई आया है और उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता है कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमत है पाकिस्तान के लिए और उनका तजुर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि एक कार्टून गिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टून गिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेफ खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की, क्योंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहां कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में, और बिलखसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहां भी पूछ सकते हैं कि आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है बॉल को टेम्पर किया गया है और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं, शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप के टाइम ने इंजमामुल हक ने अर्शदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे कि ये जो रिवर्स स्विंग कर रहा है ये जेन्युइन नहीं है, ये कुछ हरकत करके या बॉल टेम्परिंग करके ये रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, उसका आज मोहम्मद शामी ने एक इंटरव्यू में करारा जवाब दिया है और इंजमाम को कहा है कि ये कार्टूनगिरी बंद करो, और अगर आप यही रिवर्स स्विंग करते तो आपके जो प्लेयर होते उसको कुछ नहीं कहा, मतलब आप कहते लेकिन जब हम करते हैं तो आप हमेशा ये मतलब हमको कहते हैं, और आप जैसे टीम के जिस टीम में शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर है जो बॉल को दांत में चबा रहा था और वॉकर यूनिस जैसे मतलब इंटरनेशनल जो बॉल टेम्परर है वो होते हुए आप अर्शदीप सिंह के खिलाफ और हमारे इंडियन प्लेयर के खिलाफ ऐसे बातें करना मतलब जायज नहीं बनता, और ये कार्टूनगिरी को बंद करिए, तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया बुखला गया। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। हमारे पड़ोस पाकिस्तान ने सब आपस में सरफुटबॉल किए, ईगो क्लैश हो गया है, मैं कैप्टन बनूंगा तू। देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार, तो मैंने आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में, तो मैं सोच रहा था, मैंने आप एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काट के पहले हम मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली, अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है।
इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेफ खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना कीजिए। क्यों आपको लगता है अर्शदीप को आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया और भी कई तरह टारगेट करते हैं जैसे मुझे याद है। देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहां पर टारगेट होती है। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो दो दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूंकते ही मौत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया, वो बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टून गिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज्यादा बेटर कर सकते। रिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है तब रिवर्स बनती। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें, तो दूसरे को टारगेट करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी, टैलेंट तो है। हाँ लेकिन वही उनके आरोप लगता है 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी खेलते रहते हैं तो रिश्तेदारी इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो दो सेलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर हृदय मलाया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कुछ भी नहीं है, अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदे लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं और अगर हम 2023 की बात करते हैं ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता है कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर मतलब उनकी बहुत सारी खिदमत है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में? देखिए चूंकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे, इवेंट गुजर गया है जिस मैच में ये बात हुई, उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्याल का इजहार कर दिया। अब चूंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहां कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में, और बिलखसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहां भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमामुल हक साहब ने ये कहा था। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला मामला है वो उन्होंने शायद इसीलिए उस तरफ इशारा किया है कि 3 मुख्तलिफ गेंदों से कर लूंगा। ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी करते रहे हैं, तो अब ये अल्फाज हैं, बयानात हैं, चलते रहेंगे जब तक लोग उनको याद रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये गुफ्तगू का सिलसिला आपको पता जारी रहता है। अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा, उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि कार्टून गिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टून गिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श
वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेफ बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस आप हम पर बात करते हैं। ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते हो पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्जाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज किए। और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के तालुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात जरूर बरतनी चाहिए। जब इन तमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमराज लगे होते हैं, अगर कोई छेड़खानी करेगा तो क्या कोई पकड़ेगा नहीं। उन्होंने बोला कि जब कभी मैं गया पाकिस्तान यानी चैंपियंस ट्रॉफी के रेफरेंस में बात की तो फिर एंकर ने सवाल पूछा कि लाहौर में, उन्होंने बोला लाहौर में या कहीं पर भी मेरा पाकिस्तान का मैच हुआ तो वो बॉल मैं जरूर लेके जाऊंगा और इन सबको दिखाऊंगा कि भाई इस बॉल में से मुझे वो चिप निकाल के दो जो आप मेरे पे इल्जाम लगाते रहे हो, मुझे दिखाओ। कहते मैं वो ना खोल के दूंगा बॉल के, ये वो वाली बॉल थी, मुझे दिखाएं इसमें से चिप कहां पे है जो आप लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अर्शदीप सिंह को लेकर कैसे जो इंजामा मुलक मजाक उड़ा रहा था, तो उसके बाद सामी ने जमकर जवाब दिया जो शुभंकर मिश्रा के जो इंटरव्यू में है, और जवाब देना भी चाहिए था। मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि कोई मतलब इंडियन क्रिकेटर जो है वो आगे आकर इस बात को मतलब आगे रखना चाहिए कि भाई हर दफा ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब आप हर वर्ल्ड कप में जैसे भारत जीतता है तो आप हमारे ऊपर एक आरोप लगा देते हो, कोई बोलता है कि भाई ये पिच पे मतलब कुछ कर दिए हैं, कोई बोलता है कि बॉल पे कुछ कर दिए, ऐसा हर बार नहीं चलता। जबकि हम ये जानते हैं कि जो सारे के सारे फिक्सर हैं क्रिकेट में और जो बॉल टेम्परर है वो सारे के सारे पाकिस्तान टीम में ही पाए जाते हैं, लेकिन वो हमेशा भारत के खिलाफ आरोप लगाना इनका मतलब आदत बन गया है, तो इनको अच्छे से पेलना चाहिए। और मोहम्मद साबी जब पेलते हैं तो बहुत ही मजा आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही बिरादरी के लोग हैं। मैं मतलब क्या बोलना चाहता हूं तो आप समझ चुके हैं, तो इनको और भी ज्यादा इनके पिछवाड़े में दर्द लगा होगा, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा दर्द लगा है कि भाई मोहम्मद साबी ने ऐसा क्यों कह दिया। तो मोहम्मद साबी को बिल्कुल ही ऐसा कहना चाहिए था हमारे प्लेयर को डिफेंड में। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि मोहम्मद साबी की यह बात मतलब 100% करेक्ट है और ऐसा ही जवाब देना चाहिए था इस आलू इंजमाम उलक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जी तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था मोहम्मद शामी का इंटरव्यू और उस बात पर वो बात कर रहे हैं। देखिए हम पाकिस्तानी वो कौम है हमेशा से, हमें गलत चीजों पर जैसे हमें गलत हिस्ट्री बताई जाती है, हमें हमारे लोगों को ये पता तक नहीं चलता, ये सोशल मीडिया ना होता तो आज भी हमें बहुत सारी ऐसी हकीकतों से पर्दा ना उठ पाता कि हम दुनिया में अगर कोई अच्छी कौम है वो पाकिस्तानी है। और अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें, बहुत सारी चीजों में हम ऐसे ही अपने आप को हमारे दिमाग खराब कर रखे हैं लोगों ने कि सबसे अच्छे हम हैं। क्रिकेट में देख लें, दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलिंग अगर किसी के पास है तो वो पाकिस्तान के पास है। अब पे दर पे आते हैं यहाँ पे लोग अच्छी फास्ट बॉलर की, मैं नहीं ये कहता कि अच्छे फास्ट बॉलर नहीं आए यहाँ से, शुएब अख्तर आया, वकार यूनुस आया, वसीम अकरम था और बहुत जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग करवाई। और अगर उस समय पे दुनिया में क्या फास्ट बॉलर नहीं थे, दुनिया के क्रिकेट में फास्ट बॉलर उस टाइम पे भी अगर देख लें आप पाकिस्तानी फतवाहत की, तो जो अभी है इससे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी, और उस वक्त हम क्या सुनते थे कि श्रीलंका वाले क्या कहते हैं कि ये दो बंदे मुझे दे दो, वकार यूनुस और वसीम अकरम, फिर देखोगे मैं किसी टूर्नामेंट में हारूंगे नहीं हमारी टीम। पोंटिंग ने कह दिया है जी वसीम और वकार मुझे दे दो, अगर मेरे पास होते तो मैं दुनिया की बेस्ट टीम होता ऑस्ट्रेलिया। और वो उस टाइम पे उसकी सरबराई में रही भी, वो चार पांच पता नहीं कितने वो इकट्ठे कप जीत गए। और यही टीम अगर इंडिया वाले कहते हैं कि हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर क्यों नहीं आते, तो ये चीजें हमारे लोगों को खिला खिला कर दिमाग ना हमारे पक गए। और इस वक्त देखिए सबसे बदतरीन कारकर्दगी लास्ट टूर्नामेंट में किस टीम की रही है फास्ट बॉलिंग की, पाकिस्तानी टीम की। और पाकिस्तानी टीम के चलते हुए आपसी ग्रुप बंदी की अगर सही तरह से खेलते तो शायद यहाँ पे बेहतर आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। और बात क्या करेंगे कि यार ये बॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये अर्शदीप जो है ये कैसे रिवर्स स्विंग कर रहा है, बाकियों की नहीं हो रही, ये पिच बदल देते क्या यार, बॉल भी बदल देते ऐसी मैजिक लगा देते। उस पर मोहम्मद शमी ने जो जवाब दिया है और बिल्कुल सही दिया है, और इसको जो कार्टूनिस्ट कहा है, और देखिए
इंजमाम बड़ा प्लेयर था, लेकिन वो अपना बड़ा प्लेयर होना यहाँ पे सब जाया कर रहा है, मीडिया पे बैठ के जाया कर रहा है, क्योंकि जब आप इससे बातें करोगे तो उसका रिप्लाई आएगा ही आएगा, जब आप सही बात नहीं करोगे तो फिर उसका रिप्लाई लोग देंगे, क्योंकि ये नहीं है कि आपने कह दिया है और आपकी इज्जत है तो कोई उस पर बात नहीं करेगा, आपने वो सारी इज्जत वो मट्टी में मिला दी है, और जितनी भी नेकनामी कमाई थी क्यों, अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह किया आपने यहाँ पे चीफ सेलेक्टर बनकर, फिर वो जो आप रिलीजन को मिक्स करते रहे स्पोर्ट्स के साथ, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया, जगह सही का सबब बने, और अब ये आप बैठ जाते हैं मीडिया पे आकर और जिस चीज का आपको पता ही नहीं है, मैं कहता हूँ उनको पता ही नहीं है इस चीज का, लेकिन फिर भी उस पर वो ज्ञान पेल देते हैं कि भाई वो देखे बाल के साथ इस तरह से छेड़छाड़, और वो बातें करते हैं कि जो जो हो ही नहीं सकती, जो मुमकिन नहीं, और हमने देखा था शाहिद अफरीदी को वो सेब खा रहा था इस तरह से बाल के साथ छेड़ता नहीं कर रहा था, और यहाँ पे कुछ होता दिखाई भी नहीं देता इतने सैकड़ों कैमरों के दरमियान, फिर भी हम कह देते हैं कि वो उनमें टैलेंट नहीं है, सिर्फ वो जीतते हैं तो इस तरह से जीतते हैं कि बॉल टेम्परिंग कर ली, अर्शदीप अगर रिवर्स स्विंग कर रहा है उससे तो हो ही नहीं सकती जी, अर्शदीप तो सीखे ही नहीं है कहीं से क्रिकेट, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर सकता है, ये तो नामुमकिन सी चीज है, क्योंकि फास्ट बॉलर तो हमेशा पाकिस्तान से निकले, इंडिया से किस तरह से अच्छे फास्ट बॉलर निकल आए, तो आज के टाइम पे दुनिया की क्रिकेट सबसे अच्छी इंडिया में ही हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतरीन क्रिकेट खेली भी वहां पे जा रही है, क्योंकि उनका टूर्नामेंट दुनिया का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी एक जगह आकर जब इकट्ठे खेलते हैं तो एक दूसरे के जो वो तजर्बात है उससे फायदा भी उठाते हैं, और जो सीखने वाला होता है वो सीखता जरूर है, और जो नकम्मे सीखते नहीं है ना वो बस शोर मचाते रहते हैं, और एक आध मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी फिर बस आपकी आप सीट पक्की है तो बस मजे से सेल्फियां लो, शॉपिंग करो और कुछ भी करो, यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है, वो हर एक मैच में एक परफॉर्मेंस, आप देखिए मोहम्मद शमी टीम से बाहर है इस टाइम, बेहतरीन बॉलर है, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी उस टूर्नामेंट में, उसके बाद से शायद उनके साथ कोई इंजरी का मसला या क्या है अपडेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन टीम से बाहर है इस टाइम पे, और उनकी जगह जो बॉलिंग करवा रहे हैं बेहतरीन बॉलिंग करवा रहे हैं, तो अब क्या कहें इस सब चीजों को कि इतने बेहतरीन बॉलर उनके पीछे बेंच पे भी बैठे हुए हैं फिर भी उनकी टीम, इसको ये कहा जा सकता है कि वो मुसलमान है तो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है वहां पे, तो क्या बात है जी, हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है पाकिस्तानियों ने और इसके अलावा कुछ नहीं। देखे भाई कि यही बात है, देखे कि जब वो मोहम्मद शमी उस टूर्नामेंट में जो नीचे बैठे, लेकिन एक चीज जबरदस्त हो रही है और मैं इस चीज को सराह रहा हूँ, जो भी आज सोशल मीडिया पे बात होती है वो हमारे मीडिया पे डिस्कस जरूर हो रही है, और उनको शर्म आती है, आनी चाहिए कि यार ये क्या खच मार रहे, क्या बोंगे कैसे बोंगे मारते हैं, और देखे कि वो उस बात पे कि मोहम्मद शमी को सजदा करना था उन्होंने, लेकिन वो गैर मुस्लिम की टीम में खेल रहा था एक मुसलमान, तो वो सजदा नहीं कर सका, वो मजबूर हो गया, ये चीज यार ऐसी बातें करते हुए आप, इतने एक्सपीरियंस आपको है क्रिकेट का, इतनी देर आपने क्रिकेट खेली है, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री में जाके आपने क्रिकेट खेली है, और कितने एक्सपर्ट जो क्रिकेटर हैं उनके साथ आपने जो क्रिकेट खेली है, लेकिन ऐसी बोंगियां मारते वक्त जो है आपको कोई ख्याल नहीं आता कि यार मेरा पीछे इतना कैरियर था, मेरी इतनी इज्जत जो है रिस्पेक्ट बनी हुई है लोगों के अंदर, पूरी दुनिया जो है पब्लिक प्रॉपर्टी कह लो कि आप लोग हैं, तो लेकिन ऐसी बोंगियां मारते वक्त आपको कोई ख्याल नहीं आता कि यार मैं अपना कैरियर जो पीछे मेरे मैंने इज्जत इतनी कमाई है वो मैं मिट्टी में मिला रहा हूँ, लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मुझ पे बातें करेंगे, जितने भी हैं लोग वो कहेंगे यार ये क्या कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर है यार, ये अपने वक्त में टिप टिप करके ये खेलता होता था, चलो पिच पे खड़ा रहता था जैसे भी खेलता था, लेकिन यह बोंगियां कैसे मार रहा है, लेकिन हमारी टीम क्या कर रही है वो इनको नहीं नजर आता, उस पर नहीं ये बात करेंगे कि भाई शाहिद अफरीदी ने तो बॉल को जो है वो गोल्डन शेप समझ लिया था कि भाई इसको इधर से काटी कर लो, ये दोबारा मेरे हाथ में नहीं आना, वो जो एप्पल का निशान बना रहा है, हाँ वो एप्पल का निशान आईफोन का वो शाहिद अफरीदी बनाने की कोशिश कर रहा था, ऐसी बातों पे आपने कभी बात नहीं की, बॉल के ऊपर जो है ना एप्पल का ठप्पा लगाने जाते हैं, देखिए ऐसी बातों में हम कैसे बात कर सकते हैं, मैच फिक्सिंग में कितने ऐसी बातें जब की हमने खुद हुई है, इन चीजों को आजाद ही हमने खुद किया हुआ है, तो जब हम धड़ल्ले से कहते हैं कि रोहित सिंह जो है वो हम ही करने आजाद की है और किस तरह की है वो भी हम बताते हैं कि हम बॉल के साथ छेड़छाड़ करते थे और हर तरीका हमने बताया हुआ है किस तरीके से हम पसीने के साथ करते थे, हम किस तरह से वो सारा कुछ करते थे या किस तरह से बॉल को जो हम ज्यादा ठप्पे लगाते थे, वो सारी चीजें बताने वाले भी और करने वाले भी हम खुद ही हैं, तो फिर हमें भी यही लगता है कि इसके अलावा रोहित सिंह हो भी नहीं सकती, और ये भी हकीकत है
कि इन चीजों के अलावा अगर बॉल के साथ ये सब कुछ ना किया जाए तो रिवर्स स्विंग नहीं होती, तो इसलिए हमें पता है क्योंकि ये करने वाले ही हम हैं, तो इसलिए हम पहले उसके ऊपर आगे जो है ना अपना करते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि मीडिया में हमारी रेटिंग बड़ी रहती है, इज्जत मिल रही है नहीं मिल रही, हमने जो कमाया है नहीं कमाया, क्योंकि जब हम ऐसी कोई कंट्रोवर्सी जो फैलाते हैं, ऐसी कोई बात करते हैं, तो फिर क्या होता है, सारे मीडिया की सोशल मीडिया के जो कैमरे जो फोकस है वो उस तरफ आ जाता है और हमारी रेटिंग बढ़ जाती है, तो फिर तमाम चैनल कहते हैं हाँ जी आप अजमाम को बुलाएं जी, फिर हर चैनल पे इंतजाम ला की बैठा। बिल्कुल सही बात है, अभी रिसेंटली जो अहमद शहजाद ने बाबर के खिलाफ एक चलाई है पूरी कंपेन पूरे टूर्नामेंट में, उसने कहा है कि बस ये बंदा फारेगा, बाकी सब ठीक है, बस ये बंदा फारेगा, घूम फिर के यार वो शहीन की बॉलिंग अच्छी नहीं की, नहीं कप्तानी अच्छी नहीं हुई यार, वो शहीन ने इस तरह से किया, नहीं बाबर अच्छा नहीं खेला यार, वो दूसरा बॉलर जो था वो इमाद हुसैन वो अच्छा नहीं खेला, नहीं बाबर अच्छा नहीं है। तो बात सिर्फ ये है कि जब आपको एक पूरा एक टारगेट दिया जाए और उस पर आप चलते हैं, तो इस वक्त उसको छाए के पड़े हैं और अब उनकी वो मीडिया बड़े चैनल्स पे सीट पक्की है कि आप हर टूर्नामेंट में मोहम्मद शहजाद भाई, हमने पैसा तो कहीं ना कहीं से, आप देखिए क्रिकेट हम खेल नहीं रहे, स्पोर्ट्स की तरफ से मेरे को पैसा नहीं आ रहा, तो पैसा मीडिया की तरफ से ही आना है, तो मीडिया में कोई ऐसी बात करेंगे तो फिर ही चैनल्स हमारे जो है ना आएंगे, हमारी रेटिंग बढ़ेगी, तो हम चैनल पर बैठेंगे तो फिर ही पैसे मिलेंगे, तो ये पैसे का चक्कर है भैया, इज्जत जाए पहाड़ में पैसा आना चाहिए भाई। चलिए खैर जी, ये चलता ही रहता है, इंतजाम को मेरा ख्याल है मोहम्मद शमी से अच्छा रिप्लाई और मिल नहीं सकता, और अब सीने में ठंडक जरूर पड़ गई होगी। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।